हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि मैं फिर से एक बार स्वर्गवेद महामंदिर धाम की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, और वहां जाके आप लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि वहां जाके आप लोगों को बताऊंगा। और स्वर्गवेद मंदिर धाम में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग हवन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है हमारे काशी में, बनारस में। तो यहाँ पे आप लोग भी आकर घूम सकते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जो कि महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है, और जो कि और यह मंदिर 268 पिलरों पर खड़ा है। कुल इसमें 7 तल हैं, 4 लिफ्ट भी लगे हुए हैं इसमें, और कमल की पंखुड़ी लगी हुई है जो कि लास्ट फ्लोर पे है, जिन्हें कि गुजरात से मंगाया गया है। इसमें 20,000 लोग साधना कर सकते हैं और 5101 लोग एक साथ बैठकर हवन कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही सुंदर कलाकृत किया गया है। और ये बता दें कि ये जितना भी पत्थर मंगाया जा रहा है सब राजस्थान, गुजरात, जयपुर से मंगाया जा रहा है। मैं जब यहाँ गया तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे जाके बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिला। और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे और जो कि महंगे कारीगर मंगाए गए हैं, काफ़ी दूर दूर से कारीगर यहाँ पे आए हुए हैं, झारखंड से और जयपुर से, राजस्थान से, गुजरात से, काफ़ी महंगे महंगे कारीगर मंगाए गए हैं। और इसमें जो है कि अभी तक 35 से 40 करोड़ तक की लागत लगी हुई है। इस महामंदिर धाम का और भी काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, आप लोग देख लीजिए।